हाय, आई एम डॉक्टर आदित्य सेठी। मैं बच्चों की आंख का डॉक्टर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका बच्चा जब पहली बार आंख दिखाने आए तो उसके साथ क्या क्या टेस्ट होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जानिएगा कि हर बच्चे को टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है आंखों की। बच्चे अगर पुअर विजन के साथ पैदा होते हैं या फिर पुअर विजन डेवलप हो जाती है उनको, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बताएंगे, कि जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा या अपने दोस्तों को बता सकते हैं क्योंकि हमने अच्छी विजन देखी है और अब बुरे जब विजन हो रही है हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक रेगुलर एग्ज़ाम हर बच्चे को आप करवाएं, चाहे वो स्कूल गोइंग एज में हो जब वो प्री स्कूल या स्कूल शुरू कर रहा हो या कर रही हो, या फिर वो बाद में हो जब वो थोड़े बड़े हो जाएँ और आप बता पा रहे हैं, आप उसके हम बोर्ड नहीं देख पाते। तो जब हम बच्चे के आँख चेक करते हैं हम अक्सर तीन चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। नंबर वन है आई की पोजिशन, जिसको हम स्क्विंट भी बोलते हैं या भेंगापन बोलते हैं। वो कभी कभी बच्चों में बहुत सटल होता है या फिर बहुत छुपा हुआ होता है और उसको अगर हम जल्दी पकड़ें तो चश्मों या फिर बेसिक एक्सरसाइज से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि चश्मे का नंबर। हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई वीकनेस तो नहीं है आँख के नॉर्मल रिफ्रैक्शन सिस्टम में, तो उसको हम करेक्ट करना चाहेंगे क्योंकि 80% जो बच्चा देखता है वही वो सीखता है। अगर वो ठीक से देख नहीं पाएगा तो उसकी ग्रेड स्कूल में इतने अच्छे ना नहीं होंगे या फिर वो स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी नहीं लेगा। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका पर्दा और नस। तो जब हम रेगुलर चेकअप करते हैं आई डॉक्टर के पास तो हम देखना चाहते हैं ड्रॉप डाल के कि पर्दा कैसा है, उसका रेटिना में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, नस कैसी है, क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी पकड़ी जाएँ तो फिर ये रिवर्सिबल भी हो सकती है उनकी तकलीफ। तो अब चलते हैं कि कैसे हम बच्चे के आँख चेक करते हैं। हमारे पास अभी सेठी हैं जो आपको ये दिखाएंगे बिट्स एंड पीसेस में और मेरा वॉइस ओवर होगा इसमें। हेलो, माय नेम इज अभी, आई कम फॉर आई चेक, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई हैव अ अपॉइंटमेंट, कैन आई गेट माय आई चेक? हाय अभी, गुड मॉर्निंग एंड कम विद मी। तो सबसे पहली चीज़ है जब बच्चा हॉस्पिटल के अंदर आता है, आप मम्मी पापा बहुत एंशियस होते हैं, आप घबराइएगा नहीं। ये बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है पीडियाट्रिक आई सेंटर्स। यहाँ पे खिलौने मिलते हैं, फ्रेंडली डॉक्टर्स और फ्रेंडली स्टाफ मिलते हैं, वो आपको एक आपके बच्चे को एक हेलो बोलेंगे, हग करेंगे, उन्हें भी एक कैंडी मिलेगी और उनका नाम और रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें एक टिप मैं देना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को तब लेके आएँ जब वो सो के आराम से उठा हो, रिलैक्स मूड में है। अगर बहुत दूर से आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा गाड़ी में उनको एक नैप लेने दें। हमारा मेन एम ये है कि जब बच्चा आई टेस्ट करा रहा हो ज़्यादा टायर्ड ना हो। अगर ज़्यादा टायर्ड होता है, क्योंकि आई टेस्ट में कभी कभी बच्चों के 60 मिनट से ऊपर लग सकते हैं, तो इस ड्यूरेशन हॉस्पिटल में वेट करने से हम भी इरीटेट हो जाते हैं, तो बच्चे तो डेफिनेटली इरीटेट हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि फ्रेश हो, उनका एक फेवरेट टॉय साथ में लेके आएँ क्योंकि हम चाहते हैं कि वो फेवरेट टॉय के साथ उनको कंफर्ट मिले। एंड घबराइएगा नहीं, टेस्ट जो होते हैं बिल्कुल नॉन इन्वेसिव होते हैं और कोई डराव में नहीं होते, पर बच्चों की मेमोरी जो डॉक्टर्स की होती हैं अभी तक वो सब इंजेक्शंस के साथ होती हैं। तो आपको उनको रीअश्योर करना होगा कि ये जो आई डॉक्टर हैं ये हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं और कोई किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं कराते। तो यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं पहली चीज़ हम यही बोलते हैं कि हमें भी इंजेक्शन से डर लगता है और आप इसका उपयोग हम यहाँ करते नहीं। तो सबसे पहली चीज़ आप ऑप्टोमेट्रिस्ट को मिलेंगे। पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्रिस्ट बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो उनके पास टिप्स होते हैं जिस प्रकार से वो बच्चे की विजन ले पाते हैं। अक्सर माँ बाप पूछते हैं कि मेरा बच्चा तो ABCD भी बोल नहीं सकता, अभी कैसे वो टेस्ट बताएगा। आप घबराइएगा नहीं, हमारे पास कार्टून्स होते हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारे पास शेप्स साइजेस होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके प्रकार हम विजन बच्चे के प्री वर्बल वर्बल स्टेज दोनों पर हम विजन निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इनके बच्चे के विजन प्रेशर सब होने के बाद हम जाते हैं पीडियाट्रिक ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास, जो मैं हूँ। हम उस प्रकार आपके बच्चे की आँख की मोटिलिटी मसल मूवमेंट्स चेक करते हैं, कवर टेस्ट करते हैं, हर्शबर्ग टेस्ट करते हैं, क्लैंप जो एक डिवाइस होती है माइक्रोस्कोप जैसे, वहाँ पे उनका चिन्ह रखते हैं, उनका आई की एनाटॉमी देखते हैं कि सब बढ़िया है या नहीं है। उसके बाद हम रेकमेंड करते हैं केस टू केस कि हम ड्रॉप्स डाल के एक बार बच्चे को पर्दा भी देखें और नस भी देखें और नंबर एक बार रीचेक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या वंस इन 3 ईयर्स ये करना चाहिए बच्चों में, क्योंकि बस बच्चों के मसल्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पेशली इंट्राओकुलर मसल्स जो होते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो रिलैक्स हो जाए और मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बाहर आ जाए, सो दैट हम डिसाइड कर पाएँ कि इसको ज़रूरत भी है या नहीं है। तो वो डायलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है ये पूरा पीरियड। एक बार वो हो जाए फिर डॉक्टर एक इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप से आपका नंबर पर्दा देखेंगे और हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट एक रेटिनोस्कोप से रिफ्लेक्स चेक करेंगे और बताएंगे कि ये बच्चे का क्या नंबर एक्चुअली है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे की कोऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ड्रॉप्स डाल के डायलेटेड एनवायरनमेंट में हम रेटिनोस्कोपी से नंबर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान पाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल ऑप्टिकल शॉप है जहाँ पे बच्चा जाएगा और उसके किड फ्रेंडली फ्रेम्स मिलेंगे और ये फ्रेम्स बच्चे की सबसे हैप्पीएस्ट स्पॉट होता है क्योंकि दे लव कलर एंड वी ऑल्सो लव कलर। तो इस दोनों के बीच हम उनको ग्लासेस प्रिस्क्राइब करके अगर ज़रूरत पड़े तो उनको फेवरेट ग्लासेस नहीं तो फिर बढ़िया से डार्क ग्लासेस दिलवा के उनको कर दे देंगे विद अ कैंडी अगेन। सो द होल एक्सपीरियंस इज लॉट ऑफ फन, इट्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस एंड ये ही इंफॉर्मेशन इनके हेल्थ रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है जैसे आप बाकी वैक्सीनेशंस का करते हैं। आई हेल्थ रिकॉर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और करिएगा क्योंकि आजकल डिजिटल टाइम है। आईज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट वी रिक्वायर फॉर आर डे टू डे एक्टिविटीज़ और जल्द ही जल्द बच्चों को इसमें इंश्योर करना हमारा काम। सो चीयर्स टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स सी यू सून इन माई ओपिनियन।